इस क्वेश्चन में कह रहा है, दिए गए संजाल में बिंदु ए एवं बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक, यदि ए एवं बी के मध्य 15 वोल्ट की बैटरी जोड़ दें, तब संधारित्रों पर आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। ए और बी के बीच में इसने क्या कहा कि 15 वोल्ट जोड़ दिया हमने। अब देखो, अब इसे ना ऐसा, मैं इसका एक दोबारा से चित्र बना लेता हूँ। ये हो जाएगा ऐसा, ये हो गया 15 वोल्ट, ठीक ना। 15 वोल्ट जुड़ा कहाँ है, ए पे, ठीक ना। इसे दोबारा से बना लेता हूँ। तो ए बीच में एक पॉइंट हो गई सी, और एक ये पॉइंट हो गई डी, और ये पॉइंट हो गई बी। अब देखो, अब संधारित्र तो देखो कैसे कैसे लगेंगे। ए से सी के बीच में कितना है, 4 माइक्रोफेरेड, कितना है, 4 माइक्रोफेरेड, ठीक है। दूसरा देखो, सी से बी के बीच में कितना है, सी से बी के बीच में 4 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड, ठीक है। फिर ए से डी के बीच में 4 माइक्रोफेरेड, फिर डी से बी के बीच में 4 माइक्रोफेरेड, और फिर सी से डी के बीच में भी यह है 5 माइक्रोफेरेड। तो देखो, इस वाले संधारित्र 4 गुणे 4 कितना होगा, 4 गुणे 4, अरे यार ये लिख क्या रहा हूं, 4 गुणे 4 16, ठीक। और ये वाला हो गया 4 गुणे 4, ये भी कितना है, 4 गुणे 4 भी 16, अरे 116 कैसे हो गया। देखो, इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा अगर बराबर आता है, क्या आता है, बराबर आता है, तो ये एक गेहूं, एक मतलब बैलेंस्ड, मतलब बैलेंस्ड क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम वाला, इक्विलिब्रियम को क्या कहते हैं, संतुलित, संतुलित गेहूं पत्थर का पुल कहलाती है, मतलब व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक ना। ये क्या कहलाएगी, एक संतुलित गेहूं पत्थर का पुल। तो संतुलित गेहूं पत्थर के पुल में तो आप जानते ही हो कि ये जो ब्रांच है इसमें कोई धारा प्रवाह नहीं करती, इसका मतलब यहाँ पे आवेश भी नहीं प्रवाह करेगी। तो जिस संधारित्र में आवेश नहीं होता ना, उसे निकाल के बाहर फेंक देते, इसे निकालो बाहर फेंक दो। बाहर फेंकने के बाद इसे अब यहाँ से हटा दो, अब ये कैसे बन जाएगी, एक दो तीन चार, वो निकाल के बाहर फेंक दिया। अब ये हमारी ए पॉइंट, ये हमारी बी पॉइंट, ये कितनी है, 4 4 4 4। अब देखो, ये दोनों किस में है, ये दोनों है श्रेणी में। श्रेणी में सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/4 + 1/4, 2/4, 1/2, तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2 माइक्रोफेरेड। इसका इक्विवेलेंट कितना, तो 4 4 2 माइक्रोफेरेड। अरे निकाल सकते हो ना, ये ऐसे 1/C- करके, 1/4 + 1/4, ये C- की जगह इसे C1 मान लो, ऐसे C2 निकाल दो, कितना, 1/4 + 1/4, तो ये हमारी C2 हो गई, ये C1 हो गई, ठीक ना। अब ये C1 C2, ये 2 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड, ये ऐसा हो गया ना, इधर आ गए 2 माइक्रोफेरेड, इधर आ गए 2 माइक्रोफेरेड, ये हमारी ए ये हमारी बी, तो दो दो कितनी हो जाएगी, 4। ए और बी के बीच में 4 माइक्रोफेरेड है टोटल, कितनी है, 4 माइक्रोफेरेड, क्लियर। तो इसका सी इक्विवेलेंट कितना आया, सी इक्विवेलेंट 4 माइक्रोफेरेड, क्लियर। ये तो तुल्य धारिता हमने निकाल लिया, आगे कुछ और भी कह रहा है क्या, हाँ, तब संधारित्रों पर आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। अरे बहुत ही आसान, पहले तो टोटल आवेश निकाल लो, क्यू टोटल मतलब कुल आवेश कितना है, तो वो होता है सी इक्विवेलेंट इंटू वी, मतलब 4 × 10 की पावर -6 × v कितना है, 15,
बोले तो 4 × 15 60, 60 × 10 की पावर -6 तो कितना हो गया 60 माइक्रो कूलम। ये कुल आवेश है इस मतलब इस नेटवर्क में, मतलब ये पूरे सर्किट में हमारे इतना आवेश है। तो सीधी सी बात है, दोनों तरफ इक्वल कैपेसिटेंस है, 2 माइक्रो फैरेड इधर, 2 माइक्रो फैरेड इधर, तो दोनों को आवेश बराबर बराबर बांट दो। और नहीं बांट सकते तो इधर मान लो Q1, इधर मान लिया मैंने Q1 और इधर मान लो Q2, तो Q1 बराबर क्या हो जाएगा, Q1 बराबर C इक्विवेलेंट इनटू B, मतलब यहाँ का इक्विवेलेंट कितना है, यहाँ का इक्विवेलेंट है 2, तो 2 × V वोल्टेज कितना है 15, कितना आ गया 30 माइक्रो कूलम मतलब इस पे, और 30 माइक्रो कूलम इस पे, C1 पे 30 और C2 पे 30। ऐसे ही Q2 कितना हो गया, नीचे भी C इक्विवेलेंट है 2 2, और ये तो पैरेलल में है ना 15 वोल्ट की बैटरी के साथ, तो पैरेलल में तो दोनों पे विभवांतर सेम ही रहेगा, तो 15 वोल्ट, तो 2 × 15 कितना आ गया 30 माइक्रो कूलम। ठीक है, ये क्लियर है, 30 माइक्रो कूलम, और ये भी कितना है 30 माइक्रो कूलम। तो C3 पे भी 30 माइक्रो कूलम, C4 पे भी 30 माइक्रो कूलम। ठीक है, क्लियर।